भारती पुकारे तुझे देश पुकारे, आ जा रे अब आ जा रे, भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आ जा रे राह दिखा दे। Friends, it's my privilege to be here to deliver this speech on the occasion of 151st birth anniversary of Mahatma Gandhi ji, the father of the nation. As he took up the path of a non-violence to fulfill his goals, and an international organization like United Nations General Assembly has marked his birth anniversary as the International Day of the Non-Violence, which is October 2. Gandhiji's life has been inspiration for many because the life he led is truly incredible. The full name of the Mahatma Gandhi is Mohandas Karamchand Gandhi. He took a birth in the state of Gujarat and the town named Porbandar. His relentlessness and the hard work to achieve Swaraj are truly commendable. Not only that, Gandhiji's also worked to get rid of the other social evil and make India as the exclusive country. The path of non-violence and like many processions like Champaran movement, Khalifat movement, Quit India movement, Dandi March against the British to get the freedom for our country. And as a result of all these movements, he was succeed in achieving the freedom for us. He gave us the right to breathe in this free air. Without him, we won't be able to do so. Gandhiji is not with us at this time, but still, he is alive within us in the form of his principles, his thoughts, and it is the responsibility of every Indian citizen to encourage and spread his thoughts. मैं शैलजा हमारे कक्षा 6 की छात्रा आज आप सभी के समक्ष गांधी जयंती के अवसर पर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बापू भोले भाले थे, हम सबके रखवाले थे, हमें आजादी दिलवा करके खुद कष्ट व सहते थे, हम भी अच्छा काम करेंगे, खूब लिखेंगे, खूब पढ़ेंगे, बापू जैसा काम करेंगे, जग में ऊंचा नाम करेंगे। बापू जो कहते थे वो करके वह दिखलाते थे, महापुरुष वह कहलाते थे, नहीं झुके अंग्रेजों के सामने, वह अपनी धुन के पक्के थे, बापू भोले भाले थे, हम सबके रखवाले थे। के समक्ष 2 अक्टूबर से जुड़ी एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। 2 अक्टूबर खास बहुत है, इसमें है इतिहास छिपा, इस दिन गांधी जी जन्मे थे, दिया उन्होंने ज्ञान नया, सत्य अहिंसा को अपनाओ, इनसे होती सदा भलाई, इनके दम पर गांधी जी ने अंग्रेजों की सेना भगाई, इस दिन लाल बहादुर जी भी इस दुनिया में आए थे, ईमानदार और सबके प्यारे शास्त्री जी कहलाए थे, नहीं भुला सकते इस दिन को, ये दिन तो है बहुत महान, इसमें भारत का गौरव है, इसमें तिरंगे की है शान, इसमें भारत का है गौरव, इसमें है तिरंगे की शान। जय हिंद। जय इस अवसर पे आपके सामने कुछ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हमारा देश उन महान स्त्रियों और पुरुषों का सदा भारी रहेगा जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना तन, मन, धन और परिवार सब कुछ अर्पण कर दिया। इन्हीं सब महापुरुषों में से एक थे हमारे देश के राष्ट्रपिता श्री मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता श्री करमचंद्र गांधी जो राजकोट में दीवान थे और इनकी माता श्रीमती पुतलीबाई एक सरल स्वभाव की महिला थी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांधी जी ने पोरबंदर में ही पूर्ण की। वह एक औसत छात्र थे। गांधी जी का बचपन बड़े ही सादगी के साथ बीता। उन्हें तो सत्य और अहिंसा का पुजारी भी कहा जाता है। 1888 में जब उन्होंने अपनी लॉ की शिक्षा ब्रिटेन में पूरी की तब वे साउथ अफ्रीका चले आए। 21 वर्ष बाद उन्होंने 2 आंदोलन शुरू किए, सविनय अवज्ञा और यह बताया कि अब हम उनका राज नहीं सहन करेंगे, अब हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। और इस आंदोलन से हमारे भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता भी मिली। इस महान धनी व्यक्तित्व का सूरज 30 जनवरी 1948 में अस्त हो गया जब महात्मा गांधी जी की हत्या की गई नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर।
परंतु वे आज भी हमारे अंदर हमारे विचारों में आज भी वह जिंदा। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गए। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम।